श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष गुजरात के सो स्त्री रूख के नीचे द्रव्य लेवे गई, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये दो सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम कलसिका कर्णिका है। सो स्त्री कलसिका को प्रागट्य है और पुरुष कर्णिका को प्रागट्य जानो। ये दो सुंदरीते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये दो गुजरात में ब्राह्मण के जन्मे। सो दो उनको ब्याह भयो, पाछे दो उनके माता पिता मरे। तब दो बरस 25-30 के हैं। सो दो उन आपस में विचार किए, जो होई तो काशी विश्वेश्वर के दर्शन करी आवे। पाछे दो काशी विश्वेश्वर के दर्शन को गुजरात ते चले। सो केतेक दिन में काशी आए। सो ता समय श्री गुसाई जी आप काशी बिराजत हते। सो वहाँ विश्वेश्वर जी के मंदिर के आगे मायावादीन ते शास्त्र चर्चा कर रहे हते। तहाँ इन स्त्री पुरुष को श्री गुसाई जी आपके दर्शन भये। सो महा अलौकिक दर्शन भये। तब दो उनके मन में आई, जो इनके सेवक हुजिए तो आछो। पाछे श्री गुसाई जी मायावादीन को निरुत्तर करी, सेठ पुरुषोत्तम दास के वहाँ पधारे। तब ये दो स्त्री पुरुष हु श्री गुसाई जी के संग आए। पाछे पुरुष विनती कियो, जो महाराज कृपा करी हमको सेवक कीजिए, हम आपकी शरणी आए हैं। तब श्री गुसाई जी हंसी के आज्ञा किए, जो ब्राह्मण तुम तो विश्वेश्वर जी के दर्शन को आए हो, सो दर्शन क्यों नहीं किए। तब पुरुष विनती कियो, जो महाराज आपके दर्शन भये, पाछे अब कौन के दर्शन करें, ताते कृपा करी बेगी शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी इनकी आतुरता देखी, दो उनको नाम दे के सेवक किए। पाछे दूसरे दिन निवेदन कराए। तब पुरुष ने विनती की नी, जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी आप दो उनको आज्ञा किए, जो तुम महात्म्य प्रीति संयुक्त भगवत सेवा करो। तब उन विनती की नी, जो महाराज सेवा को स्वरूप कृपा करी समझाइए तो आछो। तब श्री गुसाई जी वाको सेवा फल ग्रंथ पढ़ाए, ता पाछे वाको सेवा को स्वरूप समझाए। तब पुरुष विनती कियो, जो महाराज कृपा करी भगवत स्वरूप पधराई दीजिए तो सेवा करें। तब श्री गुसाई जी वाको एक लाल जी को स्वरूप पधराई दिए और आज्ञा किए, जो निष्कंचन भाव सो परम प्रीति संयुक्त इनकी सेवा करियो। पाछे वे दो स्त्री पुरुष भगवत स्वरूप पधराए, श्री गुसाई जी सो विदावे अपने देश को चले। सो कछुक दिन में अपने घर आए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष गुजरात के, ये दोनों सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष का नाम कर्णिका है और स्त्री का नाम कलसिका है। इन दोनों का जन्म गुजरात में ब्राह्मण के घर हुआ, फिर इनका ब्याह हुआ। फिर इनने विचार किया कि काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने जाते हैं। फिर ये गुजरात से काशी के लिए निकले और कुछ दिन में काशी पहुँचे। तब श्री गुसाई जी आप काशी में ही विराज रहे थे और विश्वेश्वर जी के मंदिर के आगे मायावादियों से शास्त्र चर्चा कर रहे थे। तब इन स्त्री पुरुष को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए, तब महा अलौकिक स्वरूप में दर्शन हुए। तब दोनों ने विचारा कि इनकी शरण में जाते हैं। फिर जब श्री गुसाई जी मायावादीन को निरुत्तर करके सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पधारे, तब ये दोनों भी श्री गुसाई जी के साथ गए और श्री गुसाई जी को विनती करी कि महाराज हमें शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने हंसी के आज्ञा करी कि तुम तो विश्वेश्वर जी के दर्शन को आए हो, तो दर्शन क्यों नहीं किए। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज आपके दर्शन हुए, फिर अब कौन के दर्शन करें। तब श्री गुसाई जी इनके आतुरता देख के दोनों को सेवक किए और दूसरे दिन निवेदन कराया। तब पुरुष ने विनती करी कि महाराज अब क्या आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब भगवत सेवा करो। फिर उनने विनती करी कि महाराज सेवा का स्वरूप समझाएं। तब श्री गुसाई जी ने उनको सेवा फल ग्रंथ पढ़ाया, फिर सेवा का स्वरूप समझाया और श्री गुसाई जी ने फिर एक लाल जी का स्वरूप पधराया।
और आज्ञा किए कि इनकी निष्कंचन भाव से परम प्रीति संयुक्त सेवा करना। फिर स्त्री पुरुष सेवा पधरा के श्री गोसाई जी से आज्ञा लेकर अपने घर आए। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभ मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाऊं श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।